मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 12:15 और हम निकल चुके हैं फिर से मुंद्रा के लिए। कायरे से ये तीसरा दिन हो गया कि अपन मुंद्रा जा रहे हैं। कल के दिन में ब्लॉगिंग करी थी, परसों मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी और आज देखो फिर से अपना नसीब अपने को मुंद्रा लेकर जा रहे हैं। मैंने किसी को कॉल नहीं किया है, कुछ स्टेटस पता भी नहीं किया है। हो सकता है शायद मैं खामखा या धक्का खाऊं, लेकिन क्लाइंट ने बोला है कि भैया पर्सनली ऑब्जर्व करना काम कैसा चल रहा है, इसके लिए जाना पड़ रहा है, देखें क्या होता है। पिछले दो दिन में तो कुछ खास काम नहीं हुआ है। आई होप आज हम लोग फ्री हो जाए। ये पर्टिकुलर असाइनमेंट से रिलेटेड हमने काफ़ी दिन बर्बाद कर लिया है, 3 दिन तो आज हो गए और पहले जो मैंने CWC का चक्कर लगाया वो अलग। तो भाई जा रही है आगे XUV का जो इलेक्ट्रिक मॉडल है, XUV 400। एंड व्हाट आई फील इज यार, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होना, क्या बोलूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अ गुड थिंग फॉर द एनवायरनमेंट। 50-50 बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो तो होगा। लिथियम आयन बैटरीज है, उससे रिलेटेड जो डिबेट है वो अपनी जगह। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है वो ऑन अ लॉन्गर रन इट इज़ बेटर देन अ पेट्रोल और डीजल व्हीकल, ठीक है ना। अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं भाई हाइड्रोजन बेस्ड कार्स जो होती हैं उसको अडॉप्ट कर लो सिस्टम में, या फिर XYZ। पेट्रोल एंड डीजल इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, ओके। इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा महंगा हो जाता है। जैसे कि मेरी गाड़ी 10 लाख की मुझे पड़ी थी एक शोरूम, आई एम टॉकिंग अबाउट द XUV 300, ऑलराइट, 9,99,999। दिस इज़ द एक शोरूम कॉस्ट ऑफ माई कार। एंड अगर मैं XUV 400 जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन है उसके लिए अगर अपन डिस्कस करें महिंद्रा में जाके तो 14-15 लाख रुपये बोलेंगे। सो ये 5 लाख रुपये आपको निकालना पड़ेगा भैया, आपकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है दैट अगर हाइड्रोजन बेस्ड कार्स जो हैं अगर हम उनके बारे में सोचें, जो कि भैया हमारे नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि भैया उसको इम्प्लीमेंटेशन मिला, सो वो और भी महंगा हो जाएगा। अगर आपको एक ऑल्टरनेटिव देना है इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव या कॉस्ट वायबल। टाइम हो रहा है 1:15 और अपने मुंद्रा पहुंच चुके हैं। पूरे रास्ते कहीं बारिश नहीं नड़ी है और पोर्ट के अंदर घुसते ही बारिश। आई वेरी मच डाउट कि सुबह से कुछ काम हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर बारिश अभी चल रही है सो लेट्स सी क्या होता है। बस और एक धक्का यार, और तो क्या बोले, कसम से यार शिपमेंट ने झंड करके रखी अपनी। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, चाय पानी करके हम आ चुके हैं CWC CFS। अब चेक करते हैं स्टेटस क्या है अपने कंटेनर्स का। तो भाई ये वाले कंटेनर में इन्होंने एक पैकेज चढ़ा दिया है, चलो अच्छा है। पर प्रॉब्लम होता है क्या, ये दो पैकेज यहाँ पे अभी भी पड़े हैं। ये वाला जो कंटेनर है ये कल ही रेडी हो गया था, मतलब कि इसका स्टफिंग कल ही हो गया था। पता नहीं क्यों काम आगे नहीं बढ़ा इस कंटेनर पे, एटलीस्ट लैशिंग चुकिंग तो हो जानी चाहिए थी। ये वाला जो ओपन टॉप कंटेनर है ये कल क्लाइंट ने भर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इसको खाली करवा दिया गया है। करवाना ही पड़ेगा यार, देखो है ना, इसमें से ये सारे वुडन पैलेट्स निकाल दिए। फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स भरने के लिए क्लाइंट ने एक स्पेसिफिक प्लान दिया था, प्लान को CHA और CFS को फॉलो करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उस चक्कर में हमें आज तीसरी बार आना पड़ रहा है, जबकि हमारा रोल कब चालू होगा, जब सारे कंटेनर्स की स्टफिंग हो जाएगी, लैशिंग सिक्योरिंग हो जाएगी, उसके बाद। फिर भी आज हम तीसरी बार आ रहे हैं। ये वाला ओपन टॉपिक खाली कर दिया है और इसका सारा माल ये रहा। ये वाला फ्लैट ट्रैक भी फाइनली भर दिया, कल
इसमें से वो एक पीछे जो एक पीस लगा हुआ है वो रखा था और नीचे का फ्रेम रखा था। आज ये बड़ा वाला जो पैकेज है ये भी उसके ऊपर रख दिया है। ये फ्रेम भी इसी का हिस्सा है बट अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे कहीं सेट नहीं होगा। फ्लोर का हाल देखो यार, देख रहे हो पूरा का पूरा फेल्डस्पार पाउडर जो होता है पानी के साथ मिक्स होके एकदम कीचड़ काई जैसा मिक्सचर बन गया है। स्लिप होने के चांसेस इतने ज़्यादा है ना, क्या बोले। द सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन में हम अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और वो हम पता है क्या बोलता है, तुम लोग हमारे लिए करते ही क्या हो, हद होती है यार। ये देखो कीचड़ 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 कीचड़, ये भी देखो कायदे से 3 दिन में सिर्फ ये एक फ्लैट ट्रैक है जो पूरा हुआ है, बोले तो स्टफिंग के साथ लैशिंग और सिक्योरिंग भी हो गया। इसकी डिटेल्स मिसेस को दे देते हैं सो दैट मिसेस रिपोर्टिंग चालू कर सके, इतना तो काम निपटा है। तो भाई बारिश चालू हो चुकी है, एक घंटे का सर्वे निपटा दिया, अब चेक कर लेते हैं क्या स्टेटस है बाकी के काम का। मेरी तो फट रही है यार, ऐसा ना हो पूरा दिन खड़े रहना पड़ जाए यहाँ पर। जूतों की हालत ख़राब हो चुकी है सच बोल रहा हूँ, और कार में सेफ्टी शूज़ पड़े हैं फिर भी मैं अपने ये वाले जूते गंदे कर रहा हूँ, क्या बोले। हल्के हैं ना और सस्ते भी हैं, अगर फेंकने होंगे ना तो ये फेंक भी देंगे, टेंशन नहीं होगी। तो भाई ये वाला कंटेनर, इसका स्टफिंग निपट चुका है और एक कंटेनर वहाँ पड़ा है उसका भी स्टफिंग डन। चलो दिखाते हैं। बाय द वे टाइम हो रहा है शाम के 4:30, और ये दूसरा वाला जिसकी स्टफिंग पूरी हो चुकी है। कायदे से 3 फ्लैट ट्रैक रेडी हैं और उनका लैशिंग और सिक्योरिंग चालू हो, फिर उसके बाद में हम अपना सर्वे करें और फिर यहाँ से निकलें। अब 4:30 हो चुके हैं, लैशिंग वालों का कुछ ठिकाना नहीं, मतलब इधर ही कहीं डोल रहे हैं भाई। कंटेनर भर गए हैं तो फटाफट लैशिंग चालू करो, लेकिन नहीं, टाइम पास कर रहा है। 3 दिन तो मेरे बिगड़ गए, अब आप सोचो ये काम कब से चल रहा है। ये देखो ये वाला कंटेनर पहले से स्टफ करके रखा था, लेकिन अभी तक इसका लैशिंग चोकिंग कुछ नहीं हुआ। टाइम हो रहा 5:15 और फाइनली अपन निकल रहे हैं घर के लिए। पता है क्यों, लैशिंग चोकिंग में अच्छा खासा टाइम ठुक जाएगा, इतना टाइम अपन रोक नहीं सकते। अब कितना गीला हुआ, हद होती है यार। बैठ चुके हैं और घर के लिए निकल भी गए हैं। पहले सोच रहा था CFS के बाहर ही चाय पी लेते हैं, लेकिन निकल गए यार, यहाँ पे टाइम लग जाएगा निकलते निकलते। सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग बड़ाला पे चाय पियेंगे। यस, थक गए यार, हवा टाइट हो गई। ओ हो, फोन पे उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि हम घर के लिए निकल चुके हैं, बड़ाला पे रुकेंगे चाय पीने के लिए, और खाने पीने का बड़ा मन कर रहा है लेकिन घर जाके खाएंगे यार। तो एक पराठे खाए थे सुबह, उसी पे गाड़ी चल रही है। Really feeling tired and at the same time hungry as well. गाड़ी बिल्कुल चलाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कायदे से बोलो तो कुछ नहीं, तो 1 घंटे की ड्राइव और बाकी है। ऑल्टरनेट रूट लेने का रीजन पता है क्या, सुबह मैंने मिसेस को बोला था कि फास्टैग टॉप अप कर देना, सो व्हाट शी डिड वाज उन्होंने फास्टैग टॉप अप किया एंड वो पैसा डेबिट होके वापस क्रेडिट हो गया उनके अकाउंट में, और मैं इधर आ चुका था टुवर्ड्स मोखा चौकड़ी, सो आई हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टेक दिस रूट बिकॉज मेरे फास्टैग में बैलेंस तो था नहीं, एंड रिटर्न में अभी वापस मैं यही रूट ले रहा हूँ। अभी सीन देखो, मिसेस सुबह घर पे बैठी थी, उन्होंने फास्टैग टॉप अप करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, पैसा उनके पास वापस आ गया। अभी मैं वडाला पे रुका था चाय पीने के लिए, ओके चाय पी ली, और जैसे ये QR कोड स्कैन किया पेमेंट करने के लिए, माय बैंक सर्वर इज डाउन।
जो मेरे व्लॉग्स को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको एक चीज बहुत कैटेगोरिकली पता होगी कि मैं अपने पास कैश नहीं रखता अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी मच नेसेसरी। इन द सेंस, इमेजिन मैं अपना पोर्ट का काम भी निपटा लेता हूँ तो भी मैं अपने पास कैश नहीं रखता, बिकॉज भैया यूपीआई है एंड इट इज गुड इनफ फॉर मी यार। कैश रहेगा तो फालतू तो में खर्च करेंगे अपन। तो क्यूआर कोड स्कैन किया, बैंक सर्वर डाउन था, तो मिसेस को बोला पेमेंट डालने को। मिसेस ने 10 रुपए की पेमेंट डाली चाय वाले को, तो हम घर से तो हम वहां से निकल सके। एंड आज दूसरी बार हो गया कि भैया नेटवर्क के इशू के चक्कर में मेरे पास ना तो मेरा फास्टैग में टॉपअप हुआ और ना तो मेरा बैंक सर्वर चल रहा है। मजे की बात बताऊं, ये जो वडाला का चाय वाला है ना, मैं इसको बिल्कुल बिजनेस नहीं देना चाहता। डैड जो है ना, ये इसको खूब सारा बिजनेस देते हैं। जब जाते हैं 200-300 रुपए का धंधा इसका फिक्स ही है, मतलब चाय पानी नाश्ता तो करते ही है, बहुत सारा सामान उठा के लेकर आते हैं। इमेजिन वेन एवर माई डैड कम्स, ही इज गिविंग हिम बिजनेस वर्थ 200-300, मे बी 400-500 रुपीज ऑल्सो एट टाइम्स। जब डैड और हिमांशु आते थे तो मान के चलो 400-500 का धंधा तो कहीं नहीं गया। आज इस आदमी ने 10 रुपए के लिए अपने को रोक दिया। मैंने उसको यही बोला कि बैंक सर्वर डाउन है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्यूआर कोड का घर जाके दे दूंगा। मना कर दिया भाई ने। अपने ब्लॉग्स जो भी फॉलो कर रहे हैं पहले से उनको पता है मैं अपने पास कैश ज्यादा नहीं रखता, अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी मच नेसेसरी। मतलब कि यार अगर हॉस्पिटल जाना हो या कोई बड़ी पेमेंट करनी हो तो, वरना मैं अपने जेब में बिल्कुल कैश नहीं रखता। यूपीआई इज गुड इनफ फॉर मी एंड यूपीआई के थ्रू मैं अपनी सारी पेमेंटें करता हूँ। मैं कहीं पे चाय पीने जाऊँ, खाना पीने के लिए जाऊँ, कुछ भी करूँ, पोर्ट में हूँ या कहीं पे भी हूँ, आई लाइक टू यूज यूपीआई इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग कैश। क्योंकि कैश एक ऐसी चीज है, अगर पर्स में पड़ा होगा ना, नेचुरली आपको उसको खर्च करने का मन करेगा। ये 10 रुपए की चाय मैं अवॉइड कर सकता था, लेकिन मेरा सर दर्द कर रहा था इसके लिए मैंने पी ली। अब देखो भैया, 10 रुपए के लिए बंदे ने मेरे को हॉस्टेज बना लिया। दिस इज द मेंटालिटी, यू नो, दे एक्सपेक्ट कि व्हेन वी कम वी शुड गिव बिजनेस टू देम, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, 10 रुपए में क्या चला जाएगा यार। मैंने उसको यही बोला था बाद में दे देता हूँ। बाद में यही होता कि मैं उसके क्यूआर कोड का फोटो ले लेता और घर जाके घंटे भर में उसको पेमेंट कर देता, लेकिन नहीं भैया। अब घर जाऊंगा, मैं डैड को बोलूंगा कि भैया इतना दिलदार बनने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया बड़ी खराब है। आप आएंगे? मैंने कहा डिटेल भेजो, देखेंगे। लॉर्ड ये क्या? भाई एक मेडल तो पक्का है अपना, सेन के भरोसे। भाई टाइम हो रहा है रात के 9, घर आ गए काफ़ी देर पहले, नाश्ता पानी भी किया जम के, फीलिंग गुड। ओलंपिक चालू हो गए और हमारे घर में थोड़ा स्पोर्ट्स एंथुजियास्टिक लोग रहते हैं, स्पोर्ट्स एंथुजियास्टिक, हाँ, नॉट जस्ट क्रिकेट फ्रेंडली, स्पोर्ट्स एंथुजियास्टिक। सो वो देख रहे थे, लक्ष्य सेन का मैच देखा, इट वॉज फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। उसके बाद में और एक बैडमिंटन का डबल्स मैच देखा, बैडमिंटन डबल्स जो है वो भी इंडिया जीत चुकी है, इट वॉज अ गुड मैच। और एक बात बोलूँ, जैसा उन्होंने फर्स्ट राउंड मैच खेला ना, अगर यही टैलेंट है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सिक्योर अ मेडल, लेट अलोन गोल्ड। दे हैव टू कम अप विद द बेस्ट गेम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डबल्स के प्लेयर्स हैं उनसे एक मेडल आ जाए। बाकी हॉकी का मैच चालू हो रहा है, ओलंपिक्स डेली देखा जाएगा हमारे यहाँ फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज, या तो जब तक इंडियन प्लेयर्स नॉकआउट नहीं हो जाता। बाकी नहाने जा रहे हैं, उसके बाद में मुलाकात करते हैं और बताते हैं आगे का क्या प्लान है। कहाँ होने वाले हम? न्यू घर में शिफ्ट को हिंदी में क्या बोलते अब इसे धम करके सर के बल गिरेगी ना, देख 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 देख, देख गिरने वाली है। मैंने अंकल को मना कर दिया, बिकॉज़ मेरे को ये था कि नो बॉस ऑफ द हाउस इज नॉट अवेलेबल, तो उसके बाद लाएंगे कुछ बग्गा, फिर टग्गा, पंगा, ऑटोमेटिक। हो रहा है रात के 11:30, खाना पीना निपटा चुके हैं, बच्चे को एक चक्कर खिलवा दिया गाड़ी में, उसके अलावा ओलंपिक्स में बैडमिंटन देख रहे थे, मज़ा आ रहा था, पूरा मैच देखने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, टायर्ड, आई नीड टू स्लीप एज वेल। दिन जैसा भी रहा आप लोगों से शेयर किया, उम्मीद करता आपको पसंद आया। भाई यार पिछले 3 दिन से अपनी रेल पड़ गई थी, एंड ट्रस्ट मी अभिशेष, ये तो सिर्फ शुरुआत है, नेक्स्ट वीक हालत और ख़राब होने वाली है। क्यों, कल बताऊँगा।
Anyways guys, this is good night for now. Sweet dreams, take care. Did like, share, subscribe to the channel, find, join the channel. I'll see you tomorrow. Bye.